Hello students, I am Aishali. Is language trainer. Welcome to my YouTube channel New Urban Computer Classes. तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मैं जितनी भी वीडियो का नए या जो भी नई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में सिंपल सेंटेंस यानी लाइफ टाइम के सेंटेंस बनाने सीखे थे। लाइफ टाइम के जो सेंटेंस है वो हमारे होते हैं सिंपल सेंटेंस। जो भी हमने लाइफ टाइम के सेंटेंस बनाने सीखे थे वो बहुत ही सिंपल सेंटेंस थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस ही हम उनको कहते हैं, ग्रामर में उनको प्रेजेंट डेफिनेट कहते हैं। ये सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, अपने नेम की तरह बहुत ही सिंपल सेंटेंस होते हैं। लाइफ टाइम के सेंटेंस में हमने दो तरह से सीखे थे, एक तो कंफर्मिंग क्वेश्चन भी बनाने सीखे थे और हमने उसको पॉजिटिव आंसर भी सीखे थे, उसके पॉजिटिव आंसर किस तरह से देते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो होगी डेली रूटीन। हम अपना डेली रूटीन कैसे बताएं किसी के लिए, हम अपना डेली रूटीन कैसे बनाएं, कैसे बोले किसी के सामने, अपना डेली जो शेड्यूल होता है वो किस तरह से बनाएंगे। देखिए डेली रूटीन बनाना जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट के थ्रू ही बनाएंगे। जो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं उन्हीं के थ्रू हम अपना डेली शेड्यूल बनाएंगे। तो देखिए डेली शेड्यूल हम किस तरह से बनाएंगे। डेली शेड्यूल बनाने के लिए हमें सिंपल सेंटेंस का यूज करना है, वही वाले रूल फॉलो कर रहे हैं। आई एक्शन करके आपने बोले थे, आई रीड द बुक, आई प्ले पबजी, आई प्ले वीडियो गेम, इस तरह से आप आई और एक्शन का यूज कर रहे थे। उसी प्रकार से आप इसमें अपने डेली यूज सेंटेंस में, अपने डेली रूटीन में भी आई एक्शन का ही यूज करेंगे। अदर इज, एम, आर, वॉज, वर, किसी भी कोई भी टाइम बट का यूज नहीं करना है आपको, सिंपल इज और आई एक्शन का यूज करना, इज एमआर का यूज नहीं करना है। आई एक्शन, आई एक्शन का यूज करना है आपके लिए। आई एक्शन देखिए, आई एक्शन एंड देन आई एक्शन आफ्टर डे, देखिए आपको ये पॉइंट मिले एंड देन आफ्टर डे, एंड देन और आफ्टर डे का यूज करके आप ना पूरा डेली रूटीन बताएगी। देखो आई एक्शन पहले ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू माय डेली शेड्यूल, आई वुड लाइक टू टेल यू माय डेली शेड्यूल। जिस तरह से आपने अपने सेल्फ इंट्रो में बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, वैसे यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू माई डेली शेड्यूल, में आपको अपने बारे में, जो मेरा डेली शेड्यूल है उसके बारे में बताना पसंद करूंगा या करूंगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए आई वेक अप एट अबाउट 6 इन द मॉर्निंग, आई वेक अप एट अबाउट 6 इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे जगी। यहाँ वेक अप का मतलब क्या हुआ, जगना, वेक अप मीन्स जगना, जगना को भी सिर्फ अभी आंखें जो खुलती हैं, हमें अभी बिस्तर पर ही लेते हैं, आंखें खुली है सिर्फ हमारी, तो बोलेंगे आई वेक अप एट अबाउट 6 इन द मॉर्निंग, में सुबह 6 बजे जगती हूँ। एंड और आई गेट अप एट अराउंड 6:15, और 6:15 पर लगभग उठ जाती हूँ। अब गेट अप का मतलब हो गया बिल्कुल ही उठ जाना, मतलब बिस्तर भी छोड़ देना। यहाँ वेकअप मतलब बिस्तर पर लेटे हैं, अभी जगे हैं, और गेटअप का मतलब हो गया बिस्तर हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। तो ऐसा भी होता है हम कुछ देर बाद ही उठते हैं। देखिए आई वेकअप एट अबाउट 6 इन द मॉर्निंग, यानी आप पूरे 6 बजे तो जग गए। एंड आई गेटअप एट अराउंड 6:15, और लगभग 6:15 में आपने बिस्तर छोड़ दिया, अब आप बिल्कुल डायरेक्टली पूरी पूरी तरह से उठ गए। एंड आई गेटअप एट अराउंड 6:15 After that, इसके बाद, after that मतलब इसके बाद, देखिए आई एक्शन बोला, आई एक्शन के बाद आप आफ्टर डेट का यूज करें, आफ्टर डेट और एंड देन का यूज करके आप अपना पूरा डेली रूटीन बता देंगे। देखिए आफ्टर डेट यानी इसके बाद, आई यूज माई फोन, मैं अपना फोन यूज करती हूँ, क्या बोला, आफ्टर डेट आई यूज माई फोन। सबसे पहले आप जगे फिर उठ गए, उठने के बाद आपने अपना फोन यूज करा, यानी आई यूज माई फोन, में अपना फोन यूज करती हूँ। एंड देन, अब देखिए यहाँ एंड देन का यूज हुआ है, एंड देन, ठीक है, आई एक्शन हमारी हो गई, आई और यूज माई फोन हमारी एक्शन हो गई, आई एक्शन एंड देन, यानी आई यूज माई फोन एंड देन, और तब आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों में ब्रश करती हूँ, यानी आई ब्रश माई टीथ। आफ्टर डैट एंड आफ्टर डैट और इसके बाद, आई जनरली टेक अ बाथ, और नॉर्मली सामान्यता या आमतौर पर मैं नहाता हूँ या नहाती हूँ, जनरली आई टेक अ बाथ। एंड देन देखिए आई और ये हमारी हुई एक्शन, यानी आई एक्शन बिल्कुल वही हमारा
अखबार तक आई रीड न्यूज पेपर, मैं अखबार पढ़ती हूँ, आई रीड न्यूज पेपर। आफ्टर दैट इसके बाद आई टेक द ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करती हूँ, यानी अखबार पढ़कर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, आई रीड न्यूज पेपर आफ्टर दैट आई टेक द ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लेने के बाद आप यहाँ देखिए थोड़ा चेंज कराए यहाँ पर, आफ्टर एक्शन में आई एन जी, देखो आफ्टर प्लस एक्शन प्लस आई एन जी, आफ्टर में हमने एक्शन और आई एन जी जोड़ा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हम एक्शन लगाएंगे उसका मतलब वो काम करने के बाद। कभी कभी हम ऐसे बोल देते हैं, आप खाना खाने के बाद मैं अपनी कोचिंग गई, या कोचिंग जाने के बाद मैं घर वापस आई, तो जाने के बाद वो काम करने के बाद उसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, आफ्टर, और जो काम हमने करा है उसमें आई एन जी जोड़ देंगे, यानी आफ्टर एक्शन प्लस आई एन जी, वही ये वर्ब है, ग्रामर में बोलेंगे इसको वर्ब, आफ्टर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आई एन जी जोड़ देंगे, तो उसकी हिंदी लिखेगी वो काम करने के बाद। देखिए आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद आई गो टू माय ऑफिस, मैं अपने ऑफिस जाती हूँ, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ऑफिस जाती हूँ, तो यहाँ पे हमें एंड यानी आफ्टर का यूज नहीं करना है, आई गो टू माय ऑफिस एंड देन, और तब इसके बाद आप अपने ऑफिस जाकर क्या क्या वर्क करते हैं वो सब आप यहाँ ऐसे ही एंड एड कर देंगे। देखिए एंड आई विश माई ऑल ऑफिसर्स, जितने भी है जो भी आपके फ्रेंड्स है ऑफिस में, आप उसको विश करते हैं, सपोज दैट आप स्कूल जाते हैं तो आपने स्कूल बोलेंगे आई गो टू माई स्कूल एंड देन आई विश माई फ्रेंड्स एंड माई टीचर्स, आफ्टर दैट आई गो टू प्रेयर ग्राउंड एंड देन आई अटेंड माई क्लास, आफ्टर दैट आई रीड केयरफुली, इस तरह से आप अपना पूरा शेड्यूल यहाँ पर एड कर देंगे। देखिए आई एक्शन एंड देन आई एक्शन आफ्टर दैट के थ्रू आप अपना पूरा डेली शेड्यूल कंप्लीट कर लेंगे, इसको बोल भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे। आप लास्ट में आके क्या बोलेंगे, एंड फाइनली आई गो टू माय बेड एट 11, और लास्ट में बिल्कुल मैं 11 बजे अपने बिस्तर पर चली जाती हूँ। ठीक है, आपको जो भी यहाँ पर एक्शन है आई एक्शन एंड देन आई एक्शन आफ्टर एड करके यहाँ पर एड करेंगे, और इस तरह से आपका पूरा डेली शेड्यूल जो है बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको भी इसी तरह से डेली शेड्यूल बोलना है तो उसके लिए आपको अपना डेली रूटीन, रोज डेली रूटीन, डेली की डेली एक कॉपी पर राइट करना है और उसको मिरर के सामने खड़े होकर प्रिपेयर करना है। इससे आपको जो है इंग्लिश बोली आएगी, इसमें कुछ नहीं, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू ही आप अपना पूरा डेली रूटीन बना लेंगे। तो इसके लिए आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अपना डेली रूटीन बनाने के लिए डेली डेली अपना जो भी काम करते हैं आप उसको डेली कॉपी पर लिखा करें, जिससे आपको सारी प्रैक्टिस हो जाएगी और जितने भी वर्क है आपको उसका बोलना आएगा। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।